परीक्षा से पहले ही पेपर बाहर आने की विजिलेंस ने शुरू की जांच अगले दोनों पेपर थे रेल अधिकारी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर 11.39 मिनट पर डाला था पेपर बाद में कईयों ने निकाले प्रिंट जांच में जुटा महकमा चतुर्थ श्रेणी से पदों होकर कमर्शियल कम टिकट इंस्पेक्टर लेवल थ्री का पेपर अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने के कुछ देर बाद ही डिलीट करने के मामले में उत्तर रेलवे की विजिलेंस ने भी जांच शुरू कर दी है रेल अधिकारी भले ही दावा कर रहे हैं कि पेपर में दिए गए प्रश्न पत्रों को बदलाव बदलने का दावा कर रहे हों, लेकिन अब विजिलेंस पहले जो पेपर बना था और जो परीक्षा ली गई है दोनों पेपर के प्रश्न पत्रों की जांच करने में जुट गई है दूसरी ओर 25 सितंबर और 27 सितंबर 2023 को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है इस संबंध में सीनियर डी ने लिखित परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिए हैं इसके लिए लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं और अधिकारियों को भेज दिए गए हैं माना जा रहा है कि शुक्रवार को की गई परीक्षा रद्द की जा सकती है इस मामले में सोमवार को फैसला लिया जाएगा व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र आ जाने को उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने काफ़ी गंभीरता से लिया और ये मामला काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है इस मामले में हर पहलू पर जांच की जा रही है कि वहीं कहीं व्हाट्सएप पर पेपर किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को तो नहीं भेजा जा रहा था क्योंकि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र को सील कर दिया जाता था प्रश्न पत्र को सील कर दिया जाता है बता दें कि चतुर्थ श्रेणी से, से बाबू बनने की परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर आया रेल का पेपर बाद में किसी डिलीट शीर्षक के से इस मामले को उजागर किया शुक्रवार को डीआरएस कार्यालय में यह परीक्षा होनी थी जिसमें दो सौ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी अम्बाला मंडल के चंडीगढ़ रोपड़ शिमला नंगल नंगल डैम आदि स्टेशनों से रेलकर्मी आए थे वीरवार को ग्यारह बजकर उनतालीस मिनट पर व्हाट्सएप पर अधिकारियों ने पेपर डाल दिया था इस व्हाट्सएप ग्रुप में रेल अधिकारी और कमर्शियल विभाग के कर्मचारी हैं